शास्त्रों और पुराणों ने माँ सिद्धिदात्री को दुर्गा माँ का नौवा और अंतिम स्वरूप माना है। इसी कारण उनको अंतिमा नाम से भी पुकारा जाता है। जैसा कि पहले मैंने कहा कि नवदुर्गा के सभी रूप किसी न किसी तरह माता पार्वती जी के ही अवतार हैं, उन्हीं के प्रतिरूप हैं और सभी कथा कहानियां शिव पार्वती के जीवन से ही संबंधित हैं। माता सिद्धिदात्री भी पार्वती का पूर्ण और सर्वगुण संपूर्ण रूप है। मार्कंडेय पुराण और ब्रह्मा वैवर्त पुराण में लिखी एक कथा मिलती है कि जब नवदुर्गा के चतुर्थ रूप यानी कुष्मांडा ने सूर्य के साथ त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश की रचना की, तब ये तीनों देव सिद्धिविहीन थे। तब देवी की प्रेरणा से ही तीनों ने उनकी अघोर आराधना की, जिसके प्रभाव से उन्हें अष्ट सिद्धियां प्राप्त हुई। इन सिद्धियों के मिलने के बाद ही ये तीनों अपनी अपनी क्षमता में पूर्ण हुए, परिपक्व हुए। पौराणिक कथा यह भी कहती है कि सिद्धिदात्री की शक्ति का एक अंश शिव के आधे अंग से जुड़ गया। इसी अक्षय और महासंयोग को हम अर्धनारीश्वर के नाम से भी जानते हैं। सिद्धिदात्री माता अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व नामक सिद्धियों को देने वाली है। अपनी अनोखी छवि में वो पूरे खिले हुए कमलासन पर विराजती हैं। उनके चार हाथ हैं जिनमें चक्र, शंख, गदा और कमल सजे हुए हैं। आइए माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करते हैं, देवी का सुमिरन करते हैं और माँ के संपूर्ण रूप को मगन होकर विचारते हैं। सुनते हैं ये गीत। तोहरे शरण हम आई रे जगदम्बे मैया, लाल ध्वजा फहराई रे जगदम्बे मैया, लाल लाल ध्वजा फहराई रे जगदम्बे मैया, 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 तोहरी शरण हम आई रे जगदम्बे मैया, तोहरी शरण हम आई रे जगदम्बे मैया। लाल फूलवा अरे लाल सुपरिया मैया, लाल लाल फूलवा लाल सुपरिया, लाल लाल फूलवा रे लाल रे सुपरिया, लाल लाल फूलवा लाल सुपरिया, लाल 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 पीड़ा रचाए रे जगदम्बे मैया, लाली लाली पीड़ा रचाई रे जगदम्बे मैया, तोहरे शरण हम आए रे जगदम्बे मैया।
जय पाटन देवी माई, जय जय मून महेश्वरी माई, जय जय मुंबा देवी माई, जय जय काली माई, जय जय वैष्णो देवी माई।